अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। व्यूअर, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पंजाब वर्कर्स वेलफेयर स्कूल्स की जानब से टीचर्स की शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं, और इस हवाले से फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी थी जिसमें बताया था कौन सी पोजीशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या सैलरी पैकेज मिलने वाला है। ठीक है, वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, फिर ही आपको आज वाली वीडियो की समझ आएगी, क्योंकि आज की वीडियो में बताऊंगा आपने उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा, कहां से डाउनलोड करना है, उसको कैसे फिल करना है और कहां पे जमा करवाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स पर नहीं है तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड बटन मिल जाएगा, उसे प्रेस करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली जॉब्स एंड एजुकेशनल अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं एडवर्टाइजमेंट पर लेके जा रहा हूं। ये मैंने जो है ना एडवर्टाइजमेंट के एंड से जो है वो शरायत व सवाबत टर्म एंड कंडीशंस का स्क्रीनशॉट लिया है। यहां पर कुछ चीजें आपको शेयर करने वाला हूं ताकि क्लियर हो जाए कि जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी वो जो है वो यहां से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपके तमाम जो असनाद हैं, अब मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर, सब में फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, सब में फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। जिनकी फर्स्ट डिवीजन वही लोग अप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज कोई भी अप्लाई कहीं किसी भी डिग्री के अंदर आपकी सेकंड डिवीजन है, आप इसके लिए ना अहल तसव्वुर होंगे। ठीक है, फिर जी आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए कह रहा हूं फर्स्ट वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, फिर आपके तमाम दर कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। अब यहां पर देखें जी, उन्होंने कहा जी स्कूल प्रिंसिपल में जो है वो तहरीरी तौर पर आपने जमा करवानी है। यहां पे बताया गया है कि प्लेन पेपर के ऊपर आपने एप्लीकेशन लिखनी और जमा करवानी है। ठीक है, तो प्लेन पेपर पर जो है वो लोगों को समझ नहीं आ रही क्या लिखना है, इसलिए मैंने एक एप्लीकेशन फॉर्म तैयार किया है, इसके लिए आप उसका यूज कर सकते हैं। जहां पर प्लेन पेपर की डिमांड हो वहां पर हम वो एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये आपने जो है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं वहां पर जाके प्रिंसिपल को अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना है। एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा है, उसको कैसे फिल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, ठीक है, और कहां पे वो बता दिया, कहां पे यानी कि प्रिंसिपल ऑफिस में जमा करवाना है, जो आप जिस स्कूल में भी करना चाहते हो, और अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर के तमाम स्कूल जो है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम एप्लीकेशन फॉर्म की जानब जी। तो यहां पर देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एक जनरल एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी कि जहां पर प्लेन पेपर की डिमांड हो, प्लेन पेपर पर तहरीरी जहां पर उनको समझ ना आएगा तहरीर क्या करना है, वो वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म यूज कर सकती हैं। ठीक है, अब सिंपल जी, सबसे पहले हमारे पास है जी नेम ऑफ द पोस्ट, किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जाहिर बात आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जिस टीचिंग पोजीशन के लिए अप्लाई करें वो एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, पहली वीडियो देखेंगे, फिर वो आप यहां पर जो है वो अपनी जो है वो आप टीचिंग पोजिशन का नाम लिखेंगे जो आपके सब्जेक्ट के रेलिवेंट होगी। उसके बाद आपका फुल नेम आएगा CNIC वाला, उसके बाद आपके फादर का नेम आएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपका CNIC नंबर होगा, रिलीजन आपका जो है वो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट होगा। ओके हो गया व्यूअर्स, और यहां पर आपने अपना 1x1 फोटोग्राफ ऐड कर देना है। ठीक, जरूरी नहीं है, आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू या व्हाइट होना चाहिए। ठीक है, वो अच्छा लगता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा यहां पर जी जेंडर आ गया जी, मेल फीमेल जो भी है। ठीक है, एज ओके कितनी बनती है, ये सारी आपने मेंशन, इस तरह से एज मेंशन करनी है आपने, इयर्स मंथ डे। ओके, और यहां पर आ गया जी प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, ओके जो आपका घर का पता है वो, परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपने जो है वो यहां पर सेम जो है वो दोनों को कॉपी करके लिख देना है। ओके, आपका ईमेल एड्रेस है तो लिखनी, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपने लास्ट में लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ता हूं जी, मैं बढ़ता हूं जी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यहां पर आएगा जी मैट्रिक, कब पास किया है, कौन से बोर्ड से किया है, क्या आपकी डिवीजन ग्रेड वगैरह बन रही है। अगेन बता दो, फर्स्ट डिवीजन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पे आपका इंटरमीडिएट आएगा, वही सेम चीज। ओके, बैचलर, मास्टर, PhD की एमफिल की है तो वो कर दें, अदरवाइज आपके पास कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, BEd वगैरह। ठीक हो गया, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी एक्सपीरियंस की जानब, ये एक्सपीरियंस का टैब भी मैंने रखा हुआ है। अब इसमें अगर आपका कहीं पर, जाहिर बात है जो टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं ना उनके पास एक्सपीरियंस होता है टीचिंग, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आप लिखोगे ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट स्कूल, नंबर ऑफ ईयर कितने साल किया है जी, फील्ड ऑफ वर्क क्या था, आपका डेजिग्नेशन क्या था। ठीक है, जहां जहां पर किया वो तीन आप यहां पर ऐड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट बढ़ती है जी, नेक्स्ट आ गए कंप्यूटर लिटरेसी स्किल्स, अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई स्किल्स मौजूद है, आपने OMC का कोर्स किया है, आपने PhD का कोर्स किया है, तो वो आप यहां पर ऐड कर सकते हो। ओके हो गया जी, नेक्स्ट बढ़ता हूं मैं,
यहां पर आएगा जी, यहां पे सर्टिफाइड दैट द अबव इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, ये लिखा हुआ है। यहां पे आ गया जी डेट, ठीक है, यहां पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, दरखास्त जो है वो गुजार की यहां पर सिग्नेचर आएंगी। ओके हो गया, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका एक और पेज बनाया हुआ है जिसे हम चेकलिस्ट का नाम देते हैं। अब ये चेकलिस्ट है जी, यहां पर जी आपने क्या करना है जी, अब बता, मैंने बता दिया जी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने, वो यहां पर ऐड हैं, लिखे हुए हैं। सबसे पहले जी यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, सीएनआईसी नंबर, आप जो सीएनआईसी है यानी कि आपका जो शिनाख्ती कार्ड की कॉपी है वो आपने साथ अटैच करनी है, और यहां पर आपने स्टेटस जो है वो टिक लगा दें या यस लिख दें अटैच किया हुआ है। आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने लाजमी लगाना है ताकि पता हो कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप। उसके बाद मास्टर डिग्री, ठीक है, बैचलर डिग्री, इंटरमीडिएट डिग्री, मैट्रिक डिग्री, मिडिल सर्टिफिकेट स्किप कर दें, ठीक है, जिसने मैट्रिक किया तो जाहिर बात उसने मिडिल के बाद ही मैट्रिक किया है ना। यहां पर जी नेक्स्ट पढ़ता हूं मैं, कंप्यूटर सर्टिफिकेट किसी किस्म का आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है देन आपने अटैच करना है, तो वो साथ में आपने यहां पर टिक लगा देना है, अदरवाइज यहां पर नो या क्रॉस का निशान लगा देना है अगर आपने उसको ऐड नहीं किया। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप अटैच करोगे, ड्राइविंग लाइसेंस उनके लिए है जो ड्राइविंग सीट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। एज कैलकुलेट आपने लास्ट डेट 4 जुलाई तक अपनी एज को कैलकुलेट करना है और यहां पर आपने लिख देना है, ठीक है, कि मेरी इतनी एज बन रही है। या फिर एक और चीज यहां पर लिखना नहीं है, यहां पर टिक का निशान लगाना है। आप किसी सिंपल पेज के ऊपर जो है वो छोटा सा पेज लें प्लेन, उसके ऊपर आप लिख दें कि कितनी एज आप लोगों की बन रही है। अब मैं आपको बता देता हूं एज कैसे कैलकुलेट करनी है, काफी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही, ठीक है, कि एज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल, आप यहां पर अपने गूगल के अंदर जाएंगे, जो भी आप मोबाइल यूजर हैं, पीसी यूजर हैं, वहां पर जाने के बाद आप लिखेंगे एज कैलकुलेटर, ठीक है। फर्स्ट जो है वो कैलकुलेटर डॉट नेट के नाम से आपको मिल जाएगा। यहां पर देखें आपने फर्स्टली डेट ऑफ बर्थ अपनी ऐड करनी है और फिर आपने जो है वो एट द एंड आपने ऐड करनी है जो लास्ट डेट बनती है इस एडवर्टाइजमेंट की। मिसाल के तौर पर मैं यहां पे कुछ भी ऐड कर देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए, यहां पे मैं 2000 कर देता हूं, ठीक है, और लास्ट डेट कितनी बनती है जी, जुलाई बनती है हमारी लास्ट डेट 4 जुलाई, ठीक है, वो मैं यहां पर लिखता हूं इसी एडवर्टाइजमेंट की बता रहा हूं। ये देखेंगे कैलकुलेट के ऊपर क्लिक किया तो यहां पर देखें जी 22 साल 3 महीने 6 दिन इतनी आपकी एज बनती है 4 जुलाई को। तो सिंपल आपने इस चीज को यहां पर मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि क्लियर समझ आए, ये वाली चीज जो है वो आपने प्लेन पेपर के ऊपर छोटे लिख के जो है वो ऊपर लिख देना एज कैलकुलेटर की मेरी इतनी एज बनती है इस डेट के लास्ट डेट तक, ठीक है, यहां से आप निकाल सकते हो। ओके, और स्क्रॉल डाउन करता हूं मैं यहां पर, यहां पर आने के बाद जी वेरीफाइड फॉरवर्ड डिपार्टमेंटल जो है सेक्शन कमेटी, ये वाला जो काम है ये सारा जो है वो उसका होगा, टीम का होगा, आपकी एप्लीकेशन को फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है, अगर रिजेक्ट करते हैं तो वो यहां पर मेंशन कर देंगे कि क्यों रिजेक्ट किया गया, वो रीजंस बता देंगे, ठीक है। अगेन सिग्नेचर एप्लीकेंट आएगा यहां पे, नेम ऑफ काउंटर इंचार्ज, ये सिग्नेचर, ये सारा ये जो उनकी है यहां पर आपके सिग्नेचर आएंगे, ठीक है। इसका अब आपने जो है वो प्रिंट लेना है। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म आप कहां से हासिल कर सकते हैं, मैं इस एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, आप वहां पर क्लिक कर लें। अगर वो काम ना करे लिंक, आप उसको कॉपी करके जो है वो ब्राउजर में पेस्ट करके जो है वो ओपन करेंगे तो देन आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा ड्राइव लिंक के थ्रू। आप इसको डाउनलोड करें, इसका प्रिंट लें, इसके जो है वो तमाम रिक्वायरमेंट्स फिल करें, तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करें और जाकर जिस स्कूल में जमा करा रहे उस प्रिंसिपल ऑफिस को जो है वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करके जमा करवा दें। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो पसंद आई होगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 जुलाई 2022 है और ऑफिस टाइम के अंदर अंदर आप जाके जमा करवा सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, अपने चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।